प्रिय शिक्षकों, नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिला बंद हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आपने अपना नामांकन करा लिया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में नामांकन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कहाँ होगा। एक बार ये तय हो जाता है फिर आपको सूचना मिलेगी और उन केंद्रों पर आप आके अपने शिक्षकों से मिल सकेंगे और उनके लेक्चर भी सुन सकेंगे और आपको जो दुविधाएं होंगी, जो आपके मन में प्रश्न होगा, वो भी पूछ पाएंगे। ये सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। आपने अपना पहले वर्ष का फीस पे कर दिया है, इसलिए अब जो भी सेवाएं मिलेंगी वो सब मुफ्त होंगी। आपको कहीं भी कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को ऐसी सूचना मिली है कि कई विद्यालयों में कुछ लोग जाकर के पैसा मांग रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराने के लिए कुछ फीस देना पड़ेगा। कुछ लोग इंटरनेट पर अपने लेक्चर्स भी डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पुस्तक तैयार कराया है जो आपको भेजेंगे, तो आप इस पते पर DD भेजिए या आपके नाम VPP आएगा तो उसको आप लेंगे। ये सब गलत है और फ्रॉड है। किसी भी बाहर की संस्था से ना कोई पुस्तक खरीदें, ना उनकी बातों का ध्यान दें। यह पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम है जो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय चला रहा है। और आपने जो फीस दे दिया है उसके बाद सिर्फ दूसरे वर्ष का फीस और लगेगा और परीक्षा का फीस लगेगा जो आप ऑनलाइन पे करेंगे और केवल NIOS के पोर्टल पर जाके पे करेंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को और कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने कोई भी किताब नहीं छापा है। हम चाहते हैं कि आप ये पूरी सामग्री, अध्ययन सामग्री ऑनलाइन पढ़ें। इसलिए ये स्टडी मटेरियल हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। ये मटेरियल जो स्व अध्ययन सामग्री है वो हर दिन बदल रहा है। हम नए नए लेक्चर उसमें जोड़ रहे हैं, जहां जो चीजें पुरानी हो गई उसको बदल रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता है कि ये NIOS के अध्ययन सामग्री पर आधारित पुस्तक तैयार की गई है, इसलिए आप इसको पढ़ लें तो काम चल जाएगा। कोई नहीं जानता है कि हमारी सामग्री कब बदल गई। किसी से भी पुस्तक ना खरीदें। वो लोग क्वालिटी मटेरियल नहीं बना सकते हैं और सब स्टैंडर्ड घटिया सामग्री पढ़ के आप अपना भी विकास नहीं कर पाएंगे और परीक्षा में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वयं प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। स्वयं भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। आपको www.swayam.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको रजिस्टर लिखा होगा या लॉगिन लिखा होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करिए, अपना नाम, पता, ईमेल आईडी ये सब भरना होगा और आप उस पर मुफ्त रजिस्टर हो जाएंगे। कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वहां अपनी अध्ययन सामग्री मिलेगी, लेक्चर्स भी सुनने को मिलेगा, आपके प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देके आप अपना जांच कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। ये पूरा फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप स्वयं पर जल्दी जाइए और अपने को रजिस्टर करिए और पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। अगर स्वयं पर रजिस्टर करने में कहीं कोई परेशानी आ रही है, इंटरनेट स्लो है, तो आप NIOS के वेबसाइट जो www.nios.ac.in है उस पर जाकर के स्व अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह उतना अच्छा तो नहीं है जितना स्वयं पर रखा गया सामग्री है, लेकिन काम चल सकता है। मुझे लगता है कि आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपनी अध्ययन सामग्री एंड्रॉइड फोन पर चलने वाले ऐप पर भी डाला है। तो अगर गूगल प्ले स्टोर में जाएं और NIOS_DLED खोजें तो आपको D.El.Ed का ऐप मिलेगा, जिसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर सारा अध्ययन सामग्री डाला गया है, कुछ ऑडियो लेक्चर्स भी डाले गए हैं, आपका हैंडबुक है और
तमाम जानकारियां इस पर दी गई हैं, इसको हम लगातार बदल रहे हैं, लगातार इस पर नई चीजें डाल रहे हैं, तो आपको यह अद्यतन सूचना देता रहेगा। इसको डाउनलोड करें और अपने पास रखें ताकि आपको पता चले कि क्या पढ़ना है, कब क्लासेस लग रहे हैं, कब परीक्षा का फॉर्म भरना है और कहां परीक्षा होगी, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। तो इसको डाउनलोड करिए, यह भी मुफ्त है। ये सारी सुविधाएं फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, मुफ्त है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपके द्वितीय वर्ष में आप जब द्वितीय वर्ष का फीस देंगे तभी आपको फिर दोबारे अपना फीस भरना पड़ेगा। हम लोगों ने रेडियो पर भी आपको सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आपके क्षेत्र में कोई कम्युनिटी रेडियो होगा, उनसे संपर्क करें। हम लोगों ने अपना ऑडियो प्रोग्राम अपने वेबसाइट पर डाला है और कम्युनिटी रेडियो से हम लोगों ने एक अनुबंध किया है, MOU किया है। हम लोगों ने उनको अधिकार दिया है कि हमारे ऑडियो प्रोग्राम्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने कम्युनिटी रेडियो पर चला सकते हैं। आप उनको आग्रह करें कि इन कार्यक्रमों को वो अपने कम्युनिटी रेडियो पर चलाएं। हमारा मुक्त विद्यावाणी वेब रेडियो भी है। अगर आप NIOS के वेबसाइट पर जाएं www.nios.ac.in तो आपको वहां पर लिंक मिलेगा मुक्त विद्यावाणी, उसको क्लिक करें तो आप हमारे वेब रेडियो पर जाएंगे। सोमवार से शुक्रवार 3 बजे से हम इस पर अपने शिक्षकों के लिए, D.El.Ed प्रोग्राम के शिक्षकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। आप अच्छे लोगों के, विद्वानों के लेक्चर भी सुन सकेंगे और उनसे अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे। अगर आपको पढ़ाई लिखाई करने में कहीं कोई परेशानी आ रही है या दूसरी परेशानियां भी हैं, सेंटर कहाँ होगा, परीक्षा कब होगी, दूसरे वर्ष का फीस कब पे करना है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पा सकते हैं। जो आपके शिक्षक यहाँ से अपना लेक्चर मुक्त विद्यावाणी पर कर रहे होंगे वो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सोमवार से शुक्रवार तक कभी आप NIOS के वेबसाइट पर लॉगिन करें, इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी और मुक्त विद्यावाणी के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे लेक्चर सुनिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, कोई चीज की जानकारी पानी है तो हमारा टॉल फ्री नंबर है, इस पर फोन करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। यह है 1800-180-9393। आप फोन करें और वहां जो भी भाई बहन बैठे हैं उनसे अपना प्रश्न पूछें और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएं। ये आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये व्यवस्था संबंधी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और इनसे आप केवल व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछें। आप अगर एडमिशन ले लिए हैं और कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए मेल भेज सकते हैं। आप अगर अपने पते में या दूसरी चीज में कोई शुद्धि कराना चाहते हैं, अशुद्धि हो गई है, तो उसके लिए आप मेल भेज सकते हैं। अगर आपने फीस पे किया है और फीस वापस लेना चाहते हैं, नाम कटवाना चाहते हैं, उसके लिए मेल भेज सकते हैं, या जो दूसरी जानकारियां हैं उसके लिए भी मेल भेज सकते हैं। हम सब लगे हैं कि आपको पूरी सहायता दें ताकि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। यह कार्यक्रम भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक सपना है, बहुत समय से यह बकाया था और आपको मौका नहीं लग रहा था। खास करके हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस कार्यक्रम के बारे में बहुत उत्सुक हैं और वो हमेशा पूछते रहते हैं कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है, शिक्षक परेशानी तो नहीं महसूस कर रहे हैं, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो वो पूरे कार्यक्रम को दूर से बैठे देख रहे हैं, वो भी एक शिक्षक के पुत्र हैं, इसलिए उनकी रुचि बहुत है शिक्षकों में और चिंता भी है। तो उनका ये सपना है कि ये कार्यक्रम अच्छा चले और सारे शिक्षक ये डिप्लोमा करें और अपनी नौकरी बचा पाएं, क्योंकि 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे शिक्षक जो डिप्लोमा नहीं किए हैं उन्हें नौकरी में रहने का अधिकार नहीं होगा। तो भारत सरकार का, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का यह सपना आपके माध्यम से पूरा होगा। आप अपनी पढ़ाई सुचारू करें, अच्छी तरह से करें और जो भी सुविधाएं चाहिए वो बताएं ताकि हम वो उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।